इंकलाब टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। उत्तराखंड मुख्यालय परिसर में शिक्षकों ने जलाई सेवा शर्त की प्रतियां, कहा सेवा शर्त चुनावी लॉलीपॉप है। राज्य कर्मियों से कम का दर्जा हमें मंजूर नहीं, वेतन वृद्धि का ऐलान भ्रामक। कानपुर प्रखंड के नियोजित शिक्षकों ने आज प्रखंड मुख्यालय परिसर में हाल ही में सरकार द्वारा घोषित नई सेवा शर्त की कॉपी को जला दिया, साथ ही आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन भी किया एवं शिक्षकों ने सरकार विरोधी नारे भी लगाए। इस अवसर पर उपस्थित शिक्षकों को संबोधित करते हुए शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के अध्यक्ष महेश प्रसाद यादव ने कहा कि सरकार द्वारा नई घोषित सेवा शर्त चुनावी लॉलीपॉप है। सरकार चाहती है कि जिस तरह शिक्षकों को पिछले कई वर्षों से ठगती आ रही है, आगे भी ठगती रहे, लेकिन इस बार शिक्षक मानने को तैयार नहीं है। इस बार ये चुनाव आर पार की लड़ाई है। सेवा पूर्व प्रशिक्षित शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष श्याम कुमार पांडे ने कहा कि राज्य कर्मियों से कम का दर्जा हमें मंजूर नहीं है, सरकार को अपने निर्णय पर गौर करना चाहिए, अन्यथा बिहार के नियोजित शिक्षक इस बार अपना विचार बदलेंगे। शिक्षक संघ के मीडिया प्रभारी लाल बाबू ने कहा कि सरकार द्वारा घोषित वेतन वृद्धि आश्चर्यजनक तथ्यों से परे एवं भ्रामक है। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ कि वेतन वृद्धि की घोषणा आज हो और लागू एक वर्ष बाद हो। सरकार की इस प्रकार की घोषणा बेहद चौंकाने वाली है। उन्होंने कहा कि सरकार की मति भ्रष्ट हो गई है, उन्हें सद्बुद्धि से काम लेना चाहिए था, ना कि आनन फानन में कुछ भी निर्णय थोपने चाहिए थे। मौके पर शिक्षक नेता रुदल कुमार, दीपक कुमार सिंह, प्रदीप कुमार, उमेश दास, पंकज कुमार झा, ओम प्रकाश, गिरीश चंद्र यादव, विमलेश कुमार चौधरी आदि उपस्थित थे। इंकलाब टीवी समाचार आपको अच्छे लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।